आज असी मनान जा रहे हैं बैंगन का परठा। बैंगन के परठे लिए सब तो पहले सानू मस्टर्ड ऑयल असी यूज करांगे। दो कड़छियां मैं सरों के तेल दियां पा लिया। सरों का तेल थोड़ा जहा गर्म हो जाएगा फिर ये असी पावांगे जीरा। जीरा पा लें उसके बाद ये असी प्याज लंबे लंबे कट्टे हुए तो नाल असी ये लंबा लंबा अदरक कट्टे हुआ है उन्होंने असी ये ऐड कर दें। इन्हें अच्छी तरह भून लवेंगे जब तक ये लाल हो जाएगा। ये असं हम कटे हुए टमाटर चॉप किए हुए टमाटर और हरिया मिर्चा ऐड कर देवे। असं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद असी कवर कर देंगे ता जो ये अच्छी तरह टमाटर गल जाए। ये हम असी मसाले ऐड करांगे। एक चम्मच असी नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जेगी मिर्च पाउडर, ते एक चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें असी अच्छी तरह मिक्स कर लवेंगे। ये असी हूँ भुने हुआ बैंगन मैं भुन लिता से इनू बैंगन नू और इनू असी ये मिक्स कर दें। इनू असी मसालों के नाल अच्छी तरह भुनांगे बैंगन नू। असी गैस लो करके इनू कवर कर देवांगे त
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। पाँच मिनट लिए असं फिर कवर कर देवे ता जो अच्छी तरह मसाले तो बैंगन के बीच मिक्स हो जाए। ढक्कन चुक के असं एक बार देख लवेंगे, बैंगन का परथा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल रेडी हो गया, इहदे विच असी थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर देवांगे। साडा बैंगन का परथा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हुण इहनूं असी गरम गरम सर्व करांगे ते खाने दे नाल असी खावांगे। साडा बैंगन दा परथा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखण च बिल्कुल डिलीशियस लग रहा है। देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।